इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रोशनपुरा में। जी हाँ, हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं आम आदमी कैंटीन, JSKN, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये रघुनंदन शर्मा हैं जिन्होंने आम आदमी की कैंटीन यहाँ पर खोल दी है, ताकि सभी लोग यहाँ पर आकर कम खर्चे पर खाना खा सकें। यहाँ आम आदमी कैंटीन पर अभी एक मौजूदा मैडम है, उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए अभी बात करते हैं और हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि खाना हर प्रकार का उनको मिल सके। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रघुनंदन शर्मा जी। रघुनंदन शर्मा जी ने ये कैंटीन खोली और अभी इस समय आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, मैंने देखा कि आम आदमी कैंटीन यहाँ पर आपने शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खोल दिया है, तो क्या पर्पस रहा? समाज को बहुत अच्छा भोजन मिल सके, सस्ता भोजन मिल सके, और समाज खुश है, आते हैं सब, हर आम आदमी यहाँ खाना खा सकता है। ऐसा ही नहीं कि भी और अच्छे लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो नंबर वन है। अभी हम उधर से गुजर कर आ रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी आम आदमी कैंटीन, यहाँ हम पहुँचे और यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ सस्ता खाना खिलाने के लिए इन्होंने एक कैंटीन बनाई हुई है, और हमने यहाँ पर आपको दिखाना शुरू किया कि रघुनंदन शर्मा जी हमारे बीच पहुँच गए हैं। तो रघुनंदन शर्मा जी, रेट क्या होते हैं यहाँ के? रेट आदमी 40 रुपये में भी खाना खा सकता है, 50 में भी खा सकता है, 60 रुपये में भी खा सकता है। लास्ट हमारा 60 रुपये रेट है, जिसमें थाली में रोटियाँ हैं, सब्जी है, चावल है और सलाद है, हर चीज़ वो 60 रुपये के अंदर है। 40 रुपये में सब्जी रोटी सब मिल जाता है, और हर मजदूर आदमी भी यहाँ खुश होकर खाना खाते हैं। आपको बता दें कि रघुनंदन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, और समाज की सेवा के लिए उन्होंने खाने का प्रबंध किया है। और हमने देखा है कि वो समय समय पर कभी पानी की बात करें, कभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के लिए करते ही रहते हैं। रघुनंदन शर्मा जी, इस समय कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपने कैसे मतलब यहाँ पर सिस्टम बनाया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कर सकें? हमारा जो ज़्यादातर लोग हैं खाना पैक करा के लेके जाते हैं, क्योंकि रोड का मामला है, हम खुद चाहते हैं कि लोग यहाँ बैठ के ना खाएं, खड़े होके ना खाएं। हम कोशिश करते हैं कि हम पैकिंग सिस्टम हमने इतना अच्छा बनाया हुआ है, हम 60 रुपये में ही लोगों को पैक करके भोजन देते हैं, वो भी थाली के अंदर देते हैं। अब कहीं राजनीति की अगर हम बात करें तो आने वाला ये जो चुनाव है 2022 शुरू हो चुका है, और इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? भाई, समाज जिस तरह से महंगाई से त्रस्त परेशान है, दुखी है, क्योंकि कोरोना काल में भी लोगों को काम धाम नहीं रहे, और हर चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि भाई देखो, लोगों को सबसे चीज़ खाने की ज़रूरत होती है, तो हमसे जितना बन सकता है हम कर रहे हैं, और हम सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं। लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट का तो कोई इसमें मामला ही नहीं है, क्योंकि जितना हम समाज के लिए कर रहे हैं उतना हम अपनी अपने क्षमता के अनुसार उसे कहीं बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो बात रही चुनाव की, तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो आदेश होगा हमारे लिए वो हम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम उनके छत्र छाया में कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। अभी समाज के लिए कार्यों पर ही ध्यान है, आने वाला समय जैसा भी होगा उसके लिए तैयार हैं रघुनंदन शर्मा जी। अभी उन्होंने समाज के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए यहाँ कैंटीन चालू कर दी है, ताकि वो कम रेट में सस्ता खाना खा सकें और अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN News, दिल्ली।